बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड ब्रांड न्यू वीडियो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे अपनी जुबान में रखे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत एंड अमेजिंग वीडियो है आज की वीडियो में आप लोग अभी तो कुछ भी नहीं देख रहे लेकिन ये जो है वो शर्ट है एंड शर्ट पर जो है वो ट्राउज़र uh, जो है वो मेरा ऑफ वाइट टाइप का ऑफ वाइट लाइट पिंक कलर का कलर का जो है वो कलर था उस ट्राउज़र की प्लान कपड़ा लेकर उसकी पाइपिंग मैंने लगवाई थी शर्ट पर एंड ये देखिए कैसे नेक पर लगवाई है एंड एल शेप में साइड्स में पाइपिंग लगवाई है एंड ये फुल प्रिंटेड शर्ट है और इसके फ्रंट पर जो ये पाइपिंग आप प्लान देख रहे हैं इनके ऊपर काम होगा बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त होने वाला है एंड दिस इज़ द ट्राउज़र ट्राउज़र पर भी ऑब्वियसली जो मेरी शर्ट का कपड़ा था वो प्रिंटेड था वो प्रिंटेड अगर मैं लगवाती तो इतना अच्छा नहीं लगता दैट्स वाई महरूम प्लेन कपड़ा लेकर मैंने उसकी पाइपिंग्स लगवाई थी दो डबल सिंगल भी अच्छी लगती लेकिन डबल उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी डेट्स वाई उस पर मैंने ट्राउज़र पर लगवाई एंड शर्ट पर जो है वो ट्राउज़र का कपड़ा लगवाया और ये थी व, आ, बिफोर एम्ब्रायड्री अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आफ्टर एम्ब्रायड्री के ड्रेस कितना प्यारा एंड कितनी एक यूनिक चीज़ लग रही थी ये ड्रेस मैं ईद पर भी पहन सकती हूँ किसी घर आना जाना दावत और किसी भी अगर हम बाहर वगैरह जाना किसी भी जगह पर आराम से पहन सकते कोई इतना फैंसी भी नहीं था कोई सिंपल भी इतना नहीं था बहुत ही प्यारा एंड यूनिक था तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दुपट्टा कर दिया एक साइड पर शर्ट भी कर दी एक साइड पर नाव मैं आप लोगों को ट्राउज़र शो करवाती हूँ कि ये कितना यूनिक एंड प्यारा लग रहा था दो बॉर्डर्स दो थी पाइपिंग ऊपर नीचे थी तो फर्स्ट जो फर्स्ट uh, जो बॉर्डर था फर्स्ट जो पाइपिंग थी उस पर मैंने बहुत ही जो है वो एक दूसरे के करीब शीशे लगवाए थे जो उसके ऊपर थी पट्टी जो थी कपड़े की उसके ऊपर मैंने एक इंच के गैप के साथ मिरर्स लगवाए थे ये देखिए लुक एट दिस ब्यूटिफुल ट्राउज़र मोस्ट ब्यूटिफुल ट्राउज़र बहुत ही प्यारा था एंड जैसे कि जो है वो कपड़ा महरून था तो उस पर वाइट कलर की मैंने सी टी सी टी सी के साथ सिल्क के धागे के साथ शीशे लगवाए थे बहुत ही प्यारा था एंड जो है वो महरून कलर की कपड़ा था तो उसके ऊपर मैंने वाइट कलर की शीशे लगवाए एंड शर्ट पर जो है वो वाइट कलर का कपड़ा था तो मैंने उस पर महरून कलर शीशे तो के शीशे लगवाए तो वो जो कि बहुत बहुत ही प्यारे अच्छे लग रहे थे नीचे वाली जो लाइन थी उसमें कोई तकरीबन ट्वेंटी फाइव मिरर्स लगे थे एंड जो ऊपर वाली लाइन थी उस पर कोई आई थिंक फिफ्टीन मिरर्स या पंद्रह मिरर्स लगे थे एक इंच के गैप के साथ मैंने लगवाई थी बहुत ही प्यारे थे और इन शीशों के जो है वो गोल मैंने सितारा लगवाई थी ये देखिए एक एक इंच का गैप है मिरर्स के बीच में एंड नीचे जैसे कि कोई गैप नहीं है बहुत ही जो है वो एक दूसरे करीब करके हमने लगाई है और इन शीशों के गोल आप देखिएगा आगे मैं दिखाऊंगी कि इनके हमने मिरर्स लगाए सॉरी सितारा लगाई थी एंड दिस इज़ द शर्ट शर्ट पर भी बहुत ही खूबसूरत मिरर्स लग रहे थे बहुत ही प्यारे शीशे लग रहे थे इन पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइट कलर की पाइपिंग है तो उस पर मैंने सिल्क धागे के साथ जो है वो मैरून कलर के शीशे लगवाए थे और उनके गोल जो है उनको गोल सितारा लगवाई थी सितारा ना भी लगवाई थी लेकिन सितारा के साथ और भी प्यारे लग रहे थे आप इमेजिन कर सकते हैं कि विदाउट सितारा इन सितारे के साथ कैसे लगेंगे विदाउट सितारा इतने कुछ खास नहीं लग रही थी मिरर्स लेकिन सितारा के बाद बहुत ही प्यारे मस लग रहे थे ये देखिए साइड में जो है वो एल शेप बने हुए हैं एंड फ्रंट पे जो है वो यू लगी हुई है बॉर्डर जो है वो मैंने लगवाया था पाइपिंग लगवाई थी लेकिन मेरी जो थिंकिंग ये थी कि आप लोग जैसे कि नेक की जो पाइपिंग लगी हुई है नेक को जो वाइट कलर की पाइपिंग लगी हुई है इसके साथ साथ ही इसके करीब ही करीब यूँ करके नीचे कर फिर ऊपर जाकर यूँ गोल नेक को जो है वो ऐसे प्लैन पट्टी लगवानी थी लेकिन जैसा कि टेलर्स का ही हम लोग टेलर को ही देते हैं अब उनका काम था कि ऐसे लगा था लेकिन उसने जो है वो अपनी न्यू इन्वेंशन करके और ये जो है वो ऐसे लगा कर मुझे दे दी फिर कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे काम भी करवाना था तो मैंने फिर बस लगवा ही लिया काम करवा ही लिया ये भी अच्छा ही लग रहा था एंड ये देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ कि कैसे मिरर्स लग रहे थे मेरे पास धागे नहीं थे वडा में आप लोगों को धागे भी दिखा देती कि कौन से लगे थे और ये स्लीव्स थी स्लीव्स प्लान ही थी अगर आप लोगों को ऐसे ही सेम अगर जैसे मैंने ट्राउज़र पर शीशे लगवाए हैं तो अगर आप लोगों लगवाने भी हैं तो हम ट्राउज़र की दो डबल करके ऐसे पाइपिंग लगाकर उनके ऊपर मिरर्स लगाए थे जैसे कि ट्राउज़र पर लगे हुए हैं वैसे भी हम लोग लगवा सकते थे लेकिन मैंने नहीं लगवाए ऑलरेडी शर्ट बहुत भारी हो गई थी तो इसीलिए मैंने ये नहीं करवाया एंड ये देखिए पाइपिंग लगी हुई है अगर ये मिरर्स आपको काउंट करके दिखाऊं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी आई थिंक हाँ ये एल शेप में जो हमने मिरर्स लगवाए थे ये ट्वेंटी थे तो उसके ट्वेंटी ट्वेंटी डबल कर दें तो फोर्टी ये नेक पर जो है फ़ोर्टी लगवाए थे एंड ट्वेंटी इस साइड ट्वेंटी इस साइड फोर्टी फिफ्टी सिक्स सेवेंटी एट्टी के करीब जो है वो एट्टी के करीब जो है वो नेक पर सिर्फ मिरर्स लगे थे Uh, बहुत ही प्यारे थे एंड दिस इज़ द दुपट्टा दुपट्टे पर एज़ यूजल नॉर्मल मैंने पीको ही करवाई थी uh, कुछ बनवाया शनवाया नहीं था ऑब्वियसली का दुपट्टा था तो इसीलिए ऑलरेडी हैवी था तो ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती थी दिस इज़ द कम्प्लीट ड्रेस और कैसे लगी मेरी आज की आप लोगों को वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा एंड उसके साथ मेरे चैनल का चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन दबा दें इसी तरह की बहुत ही खूबसूरत एंड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस डेली अपलोड करती हूँ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आइकन का बटन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा